गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज इंग्लिश टीचर फ्रॉम पायलट फिट सेकेंडरी सेकेंडरी स्कूल निमगाना। दिस इज योर इंग्लिश टॉक्स बॉक्स चैप्टर 3, नेम ऑफ द गॉड प्रोवाइड्स। वी हैव लर्नड अबाउट द चैप्टर 1-2 इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स एंड आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स सम पैराग्राफ्स दिस चैप्टर। But today we are going to study about that chapter 3, named the God provides, and we will discuss about the paragraph 1-4, right? So there are some points in this chapter. So in this chapter, we will find the greatness of the God, right? God is great. We will find everything from God. It means this is a very interesting story, and so dear students, we will read in this chapters about the God and two Vedas. So I will start this chapter. So open your Chapter 3 at page number 29, and but we have learnt about the chapter 3 at page number 29, and we have read point 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Today we are going to study about the point 5 at page number 30. All these students, open your book. So I will read. I will understand. About this chapter, as you know, this story in previous video lecture, but I will discuss next part in this chapter. Okay, so you will share first study with me. The older beggar folded his hands in prayer as soon as he received the mail. The older beggar था, उसने folded मोड़ लिया, his hands अपने हाथों को मोड़ा इनका prayer प्रार्थना के लिए, और जैसे उसको जो मनी मिला, धन मिला, तो जो पैसे मिले उसको एम्स मिला, इसको ओल्ड बेगर को बाई किंग राजा के द्वारा, तो उसने अपने हैंड को फोल्ड किया, और क्या करता है उसमें द ओल्ड बेगर फोल्डेड हिज हैंड्स एंड प्रेयर एज सून एज ही रिसीव्ड द मेल। जैसे ही उसको धन मिला तो उसने अपने हाथ मोड़े और भगवान को प्रार्थना की, राइट, क्योंकि गॉड इज ग्रेट और ही प्रोवाइड्स अस एवरीथिंग, ही प्रोवाइड्स फॉर मी। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ द ओल्ड बेगर। After that, the king was very cross when he heard these words. ये सुनकर राजा क्या हुआ? बहुत ही क्रॉस हो गया। क्रॉस मीन्स एप्रेशन। क्रॉस मीन्स डिस्टेंस, एप्रेशन माना क्रूद हो जाना, नाराज हो जाना। The king was very cross when he heard these words. जब राजा ने ये शब्द सुने तो वह बहुत ज्यादा एप्रेशन हुआ, नाराज हो गया, क्रूद हो गया। What? In this picture, you watch and I will read, so you will understand about this box. What an ungrateful fellow this beggar is. What an ungrateful, ये तो बहुत ही एहसान फ्रॉम अस है fellow this beggar, ये तो जो beggar है ये तो एहसान फ्रॉम अस है, right? Never once does he praise my kindness. Never once, उसने एक बार भी मेरी प्रशंसा नहीं की है, मेरी दयालुता की, kindness की, दयालुता, उसने मेरी दयालुता की एक बार भी प्रशंसा नहीं की है। Ungrateful means एहसान फ्रॉम अस, जिसको कहते हैं praise by kindness and generosity, और उसने मेरी generosity उसने मेरी एक बार मेरी दयालुता और मेरी उसकी जेनेरोसिटी की एक बार उसने मेरी प्रशंसा नहीं की है। ओके, उसके आफ्टर उदारता की, जेनेरोसिटी मींस उदारता,
इंस्टेड इसके बजाय ही ऑलवेज प्रेज गॉड यू, इसके बजाय वह हमेशा भगवान की प्रशंसा करता है, गॉड गॉड की प्रशंसा करता है। आई विल टीच हिम ए लेसन, मैं उसको एक पाठ सिखाऊंगा, क्योंकि हम पर वो नाराज हो जाता है। राजा रूलर इज एंग्री, राजा था, किंग इज एंग्री, नाराज है, इसलिए उसने ये इस प्रकार का स्टेटमेंट राजा की है। उसने ऐसे शब्द किसके प्रति कहा, उस ओल्ड वेगर के प्रति, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस क्वेश्चंस एंड आई रीड, व्हाट डिड द ओल्ड वेगर से आफ्टर रिसीविंग द एल्व्स, ओल्ड वेगर ने एल्व्स लेने के बाद में ओल्ड वेगर ने क्या कहा, जैसे उसको ओल्ड वेगर ने एल्व्स जो दान में भिक्षा में उसको जो मिला उसके आफ्टर वो क्या कहता है। तो यू कैन राइट दिस टाइप आंसर, the old beggar said after seeing the elves that God is great, he provides for me, उसने कहा था कि भगवान महान है, वो मुझे उपलब्ध करवाता है, राइट। सो यू कैन राइट आंसर, ओके। एंड आफ्टर दैट यू विल रीड दिस पॉइंट सेविंग, सो यू कैन वॉच ए बॉक्स, सो आई विल रीड दिस स्टेटमेंट, I will understand you about this statement. The next day, after he had given out elves and bhiksha vagera, right? Elves, jo bhi bhiksha tha, right? Elves, after he had given out elves to the two beggars as usual, the king asked them to do something. The next day, agle din, after he had given out elves to the two beggars, agle din jaise hi प्रतिदिन यूजुअली जो सामान्यतः प्रतिदिन की तरह वो भिक्षा लेने के लिए आए, आफ्टर भिक्षा दी उनको हैंड की दे दी गई थी, आउट एल्प्स टू द टू बेगर्स, राजा ने प्रतिदिन की तरह उनको एल्प्स दे दी, एंड द किंग आस्क्ड देम टू डू समथिंग, और राजा ने उनको कुछ करने के टू डू समथिंग कुछ करने के लिए आस्क्ड पूछा, यानी इट मींस राजा ने उनको कुछ करने के लिए कहा। अब राजा क्या कहते हैं, सो यू कैन वॉच इन दिस बॉक्स and you will understand all this statement, this is a picture, this is a scene, right, and you will see about this picture, what is this happened in this picture, God along the small path in the place garden, go along the small path in the place garden, Raja ne unko kya tha, ki aapko jo place garden hai, jo mahal ka bagicha hai, uske raaste se aapko jana hai, I have provided a gift, therefore one of you. I have provided, मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा. Provide means उपलब्ध करवाना. Okay, I provided a gift, मैं आपको एक. I have provided a gift, therefore one of you. मैं आप में से एक को gift उपलब्ध करवाऊंगा. It means मैं आपको दोनों में से एक को gift दूंगा. And God will provide for the others, और दूसरे को God provide करवाएंगे. भगवान उपलब्ध करवाएंगे, राइट। आफ्टर दैट यस यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस पॉइंट 8, द किंग हैड ऑर्डर्ड ए पास फुल ऑफ गोल्ड टू बी प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द पाथ, ही वांटेड टू मेक श्योर द यंगर बेगर वुड फाइंड इट, द किंग हैड ऑर्डर्ड ए पास फुल ऑफ गोल्ड प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द पाथ, राजा ने अपने जो सर्वेंट थे उनको आदेश दिया कि जो पथ है रास्ता है उसके सेंटर के बीच में रख के आ जाओ, इसे सोने से भरे हुए बैग को बीच रास्ते में रख के आ जाओ। He wanted to make sure the younger beggar won't be fine, पर मैं चाहता था, wanted to make sure, मैं निश्चित रूप से चाहता था कि जो ये 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 पास फुल ऑफ गॉड जो गॉड से भरा हुआ बैग है वो यंगर बेगर को मिले, यंगर बेगर जो है उसको ही प्राप्त हो, ओके जो छोटे वाला भिखारी था उसको मिले, he wanted to make sure the younger beggar would find it, okay you go first, raja ne usko instruction diya aap pehle jao, you go first aap pehle jao, yes point 9 you can see, as the younger beggar walked along the path, jaise hi younger beggar tha wo raaste mein chala, to there was filled with the scent of the lovely flowers, to wahan par जो प्यारे प्यारे फूल थे उनकी सुगंध थी, सुगंध भरी थी रास्ते में, सुगंध आ रही थी उस रास्ते में, जो प्यारे प्यारे फूल थे उनकी सुगंध आ रही थी, महक रही थी, दैट वर ब्लूमिंग्स ऑल अराउंड, चारों ओर
खुशबू ही खुशबू फैली हुई थी। लवली फ्लावर्स दैट वर ब्लूमिंग्स ऑल ओवर, चारों ओर फूल खिले हुए थे, ब्लूसमिंग यानी फूल खिले हुए थे। ओके फ्लावरिंग्स फूल खिल जा रहा है, ब्लूमिंग चारों ओर फूल खिले हुए थे, रास्ते में चारों ओर फूल खिले हुए थे। ही क्लॉक इज आइज आई विल टेल यू अगेन अबाउट दिस सेंटेंस। Yes, as the younger beggar walked along the path, जैसे ही यंगर बेगर यंगर बेगर थे वे रास्ते में चले गए, air was filled with the scent of the lovely flowers and were blooming all around। चारों ओर फूल खिले हुए थे और उनकी उन प्यारे प्यारे फूलों की खुशबू रास्ते प्यारे प्यारे फूलों की खुशबू खुशबू थी वो रास्ते में फैली हुई थी। He closed his eyes और उसने अपनी आंखें बंद की। And sniffed the air to be able to inhale the lovely fragrance better। और उसने अपनी आंखें बंद कर ली एंड और वो उस जो सेंट ऑफ द लवली फ्लावर्स थी ना ब्लूमिंग्स फ्लावर ब्लूमिंग्स थी उनकी जो स्निफ थी उन्होंने सुगंध ली। ही क्लोज हिज आईज उसने अपनी आंखें बंद की और स्निफ्ड द एयर टू एबल टू इनहेल और लंबी सांस के साथ में वो सुगंध लेने लगा। ऐसे लंबी लंबी सांसें लेगा उनकी सुगंध का आनंद लेने लगा। द लवली फ्रेग्रेंस बेटर। इस प्रकार से जैसे हम जैसे आप भी ऐसा ही करते हो यू कैन दिस टाइप आप भी ऐसा ही कर सॉरी आप भी कहीं सुगंध वगैरह ब्लूमिंग फ्लावर्स होते तो डियर बेबीज डियर चिल्ड्रन आप बड़ा एंजॉय करते हैं सुगंध सॉरी वहां पर आनंद लेते हैं सुगंध लेते हैं राइट। इसी प्रकार से ही क्लोज हिज आईज एंड स्निफ द एयर टू एबल टू इनहेल द लवली फ्रेग्रेंस बेटर। तो उसने खिले फूलों की बहुत ही अच्छे तरीके से सुगंध ली और अपनी आंखें बंद करके वो रास्ते में चलता रहा। एंड देन मिस्ड सीइंग द पास और वह मिस्ड हो गया चूक गया उस प्रश से चूक गया इसमें वह प्रश रखा हुआ था और वह आधी निकल गया। ओके आफ्टर दैट द ओल्डर बेगर हु वाज वॉकिंग बिहाइंड हिम और उसके आफ्टर दैट क्या हुआ कि द ओल्डर बेगर था हु वाज वॉकिंग बिहाइंड और उसके पीछे पीछे आ रहा Found it and picked it और उसको मिल गया और उसको उठा लिया पिक अप किया उसको उठाया। हाँ what is this? अरे ये क्या है? So dear students, there are many pictures in your chapter and you can see these pictures and you will feel about this scene. This is very interesting story and I hope you will learn this story and there are some words so. You will laugh at your home and you will write these words in your notebook as SW. It means there are two new words. It means blooming. It has this type, S type, flowering or blossoming. Okay, fragrance, perfume or scent, sugar. So there are, these are the synonyms of the words. There are two questions. What does the king leave for the younger beggar in the place garden? Place garden में younger beggar के लिए क्या रखा गया था? So you will find answer in these chapters and you will write according you are feeling. According this chapter, according this sentence statement in this chapter, क्या था वहाँ पर? तो you can write this type answer. Firstly, I will a little answer. I will tell you a little answer. A past full of gold. Okay, so you can write full answer this question. Why is the younger beggar not able to find? Why younger beggar था वो able to not able to find इसको लेने में expert क्यों था right? So you can write क्योंकि उसने सुगंध का आनंद लिया था इसलिए उसको सब कुछ enable था वो नहीं ले पा रहा। So dear listeners. This is part end of the and I will tell you about these 1 to 10 statements in this chapters. I will tell you next rest part in next video lecture. So I hope all the students will understand about these.
partially at this time, and you will write some new words, and there are some questions in your notebook. And at your end, firstly you will read this chapter, okay? And we'll meet next day. Thanks.